हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। तो आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स। क्लास ट्वेल्थ के मैथमेटिक्स में हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं अवकलज के अनुप्रयोग, जिसमें हम NCERT के क्वेश्चन के लेके आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। और हमारा एक्सरसाइज है 6.1 का क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन प्रोवाइड कराया था। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। देखिए, चूंकि हमारे क्लास बाइलिंगुअल होता है, आपको पता है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन को मैं इंग्लिश मीडियम में डिस्प्ले कर रहा हूँ बोर्ड पर, लेकिन आप लोग को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके समझा रहा हूँ। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इतना समझ लेते हैं और आप उसको NCERT के हिंदी मीडियम बुक से टैली करके पढ़ सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ऐसे एक आधा चैप्टर में ही दिक्कत होता है, बाकी में तो लैंग्वेज का मतलब नहीं। ठीक है, देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 डिस्प्ले हो रहा है और मैं साथ में रीड भी कर रहा हूँ क्वेश्चन को, आप बोर्ड से पढ़िए। ए बैलून व्हिच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, एक बैलून है वो स्फेरिकल है, वो गोलाकार है हमेशा। ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाई पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड, उसमें हवा भर के हम उसको फैला रहे हैं 900 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब उसका वॉल्यूम है, मतलब हम सीधा लिख दें गिवन को, तो dV/dt हमको दिया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर गिवन लिखते जा रहा हूँ जो अपने को दिया है। तो बैलून का जो वॉल्यूम है उसको भी ले लें, तो dV/dt दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर आगे क्वेश्चन में बोलता है बाई पंपिंग हो गया ना, फाइंड द रेट ऑफ विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज, उसका रेडियस किस रेट से इंक्रीज हो रहा है ये हमको फाइंड करना है, ये हमको ज्ञात करना है कि उसका रेडियस जो है बढ़ेगा जब उसमें हवा भरेंगे, तो किस रेट से फाइंड हो रहा है। व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, कब जब रेडियस क्या हो 15 सेंटीमीटर हो, ये हमारा क्वेश्चन है। एक बार ध्यान से सुनो स्टेटमेंट को, आप पढ़ो और यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। एक बैलून का आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से बढ़ रहा है, तो उसके रेडियस के बढ़ने का रेट हमको दर निकालना है, जबकि उसका रेडियस क्या हो 15 सेंटीमीटर हो। क्लियर, तो बैलून क्या होता है, हालो स्फेयर होता है, खोखला गोला होता है, तो वी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वी इक्वल टू 4/3 πr³, ये हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ द बैलून। ठीक है, बैलून का वॉल्यूम। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो हो जाएगा dV/dt इक्वल टू dV/dt ऑफ 4/3 πr³, दैट इक्वल, इसको हम डिफ्रेंशिएट करें, दैट इम्प्लाइज dV/dt का वैल्यू हमको यहाँ पर दिया हुआ है, देखो कितना 900, तो इसका वैल्यू हम पुट अप कर देंगे, इसका 900, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, या वैल्यू एक साथ पुट करूँगा मैं, चलो अभी ऐसे ही लिखता हूँ, वैल्यू को सबको एक साथ पुट करेंगे dV/dt, ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 4/3 π कांस्टेंट है, और इनटू r³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3r² r का दोबारा हो जाएगा, तो dr/dt, यही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। दैट इम्प्लाइज अब हम पूरा वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो dr/dt निकालना है अपने को, तो dr/dt बाकी को इधर पक्षांतर कर दो, तो ये हो जाएगा dV/dt इनटू ये हो जाएगा 3/4 इधर आके ये ऊपर चला जाएगा, और ये 1/π हो जाएगा, और इनटू यहाँ से 3 को अपन कैंसिल करा देते हैं, यहीं सिंपलीफाई कर देते हैं, जितना सिंपल होता है उसको यहीं सिंपलीफाई, तो 3 कट रहा है, ध्यान नहीं दिया मैं, dV/dt और उसके बाद इसको ट्रांसफ़र करो dV/dt, तो ये हो जाएगा 1/4π इनटू ये भी नीचे आ जाएगा 1/r², ये हो जाएगा इसका वैल्यू, सब इसके डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, इधर पक्षांतर होकर हर में चले जाएंगे। दैट इम्प्लाइज इसका वैल्यू हमको ज्ञात करना है, तो dr/dt सब का मान को भर दो, dV/dt हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 900 इंटू 1/4 इंटू इसको लिख सकते हैं 22/7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7 करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, या पाई के फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं अपन, NCERT के में पाई के फॉर्म में आंसर दिया होगा तो पाई के फॉर्म में दे देंगे, पाई के फॉर्म में रहता है जनरली आंसर, पाई का वैल्यू पुट अप मत करना पाई। ठीक है, ये हो गया, और इनटू आर कितना है 15,
ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। ओके, दैट इंप्लाइज डी आर बाई डी टी इक्वल टू, यहां पर देखो 15 का स्क्वायर 225 होगा, 225 फोर मल्टीप्लाई होगा 225 900 होगा, 900 के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा 1/π, तो 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रेट से क्या होगा, उसका रेडियस बढ़ेगा। तो आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन हम और 7 तक के क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन और किए हुए हैं, आंसर आया है इसका 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है, बन जाएगा एक बार समझने के बाद, जैसा भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन बोर्ड में डिस्प्ले होगा, आप बोर्ड से रीडिंग करिए या आप अपने पास इस वीडियो को देखते देखते एनसीईआरटी का बुक साथ में रखिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों, और स्टेटमेंट अपने बुक से पढ़िए, ठीक है, या बोर्ड से डिस्प्ले करिए। बोर्ड में मैं इंग्लिश मीडियम पर डिस्प्ले कर रहा हूँ, हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर नाइन का स्टेटमेंट है, यह भी बैलून पर बेस्ड है। ये बैलून विच रिमेन स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस, मतलब एक बैलून है इसका रेडियस क्या है, परिवर्तनशील है, मतलब फिक्स नहीं, आर नहीं है, परिवर्तनशील है। फाइंड द रेट ऑफ विच इट वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब यहाँ पर हमको उसको रेडियस के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो हमको यहाँ पर फाइंड करना है डी वी बाई डी आर, वेरिएबल रेडियस। मैंने आपको पहले दिन के क्लास में समझाया था कि रेट हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक टाइम के रेस्पेक्ट में, दूसरा रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि रेडियस चेंज हो रहा है, तो डी वी बाई डी आर ये हमको फाइंड करना है। बहुत आसान हो गया है तो क्वेश्चन, जबकि आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो ये तो आसान हो गया क्योंकि हमको आर के रेस्पेक्ट में करना है, तो सीधा चूंकि वी इक्वल टू 4/3 πr³, देयरफॉर डी वी बाई डी आर इक्वल टू 4/3 π कांस्टेंट है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और आर का आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3r² यहाँ पर डी आर बाई डी टी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि रेस्पेक्ट ही आर है। दैट इक्वल यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर दो, 4/3 π × 3 और इंटू आर का वैल्यू दिया है कितना 10, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर। दैट इक्वल यहाँ पर 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 100 और ये 4 कितना हो जाएगा 400 π, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ये यूनिट पर सेकंड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 400 π। क्या आंसर दिया है इसका, 400 π यूनिट, ठीक है। तो ये आसान है, बस आपको रेस्पेक्ट को पहचानना है कि कब टाइम के रेस्पेक्ट में करना है, कब रेडियस के रेस्पेक्ट में करना है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है 9। इसका 10 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो अब जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मैं आपको पहले से ही बता दूं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट आप देखिए बोर्ड से, ए लेडर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, इसमें मैं साथ में फिगर बनाते जाता हूं, ध्यान से समझना। एक लेडर मतलब सीढ़ी है, ठीक है, एक सीढ़ी है और इस तरह से वो एक दीवार में रखा हुआ है, इसका लेंथ है 5 मीटर। ये एक दीवार है, ये क्या है, धरातल है, क्षैतिज सरफेस है, ये वाल है और इस पर एक सीढ़ी रखा हुआ है 5 मीटर का। अब क्या हो रहा है, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड एलॉन्ग द ग्राउंड। अब क्या करते हैं, इसका जो बॉटम है, ये वाला जो बॉटम है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, इधर खस सरका रहे हैं, तो नेचुरली क्या होगा, ये नीचे आएगा। जब ये वाले पोर्शन को आप, जैसे सीढ़ी दीवार में लगा हुआ है, उसके नीचे वाले पोर्शन को आप दीवार से दूर हटाएंगे तो ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा, नीचे आएगा, ये बोल रहा है। तो हमको बताना है कि सपोज यहाँ से हम सपोज कर ले इसके डिस्टेंस को, ठीक है, ए बी सी मान ले अपन डिस्टेंस को, मान लो ए बी सी ये है और ये वाई एक्सिस है, इसको हम वाई मान लिए और बी सी को क्या मान लिए, एक्स मान लिए, ठीक है, यहाँ पर, और ये दीवार वर्टिकल होता है तो ध्यान रखना ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तब हमको बोलता है क्वेश्चन में, एट द रेट ऑफ 2 मीटर,
ये हमको क्वेश्चन में गिवन है कि किस रेट से इसको हम इधर खिसका रहे हैं, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसको दीवार से दूर खिसकाने का जो रेट है वो डी एक्स बाई डी टी है, इसको हम 2 मीटर से खिसका रहे हैं। हाउ फास्ट इज द हाइट विल बी डिक्रीजिंग, तो बोलता है इसका जो ये है किस दर से नीचे आएगा, मतलब डी वाई बाई डी टी हमको क्या करना है, ये हमको फाइंड करना है, ये हमको फाइंड करना है डी वाई बाई डी टी, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ यहाँ पर मैं, ये है क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है। ओके, तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप ध्यान समझिए। ये एक दीवार है ए सी बी सी, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसमें ए बी सीढ़ी रखा है, सीढ़ी को जब हम इधर खिसकाते हैं इस रेट से तो सीढ़ी नीचे किस रेट से नीचे आएगा, ये हमको फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखो ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सिंस ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब यह एक समकोण त्रिभुज है, देयरफॉर यहाँ पर जो कर्ण का वर्ग है वो लंब और आधार के वर्ग के बराबर होगा, मतलब यहाँ पर जो 5 का स्क्वायर है वो हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। दैट इम्प्लाइज इसमें इसका वैल्यू भी दिया है क्या, द रेट ऑफ हाउ फास्ट इज लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ओ यहाँ पर एक और वैल्यू दिया हुआ है एक्स इक्वल टू 4, मतलब ये जो लेडर का ये वाला कॉर्नर है यहाँ से कितना है 4 दिया हुआ है, 4 मीटर दूर पर है बोल रहे हैं, तो इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 25 इक्वल, दोनों साइड का हम स्क्वायर कर दें तो रूट नहीं रहेगा, मैं डायरेक्ट इसको ऐसा इंडिपेंडेंट फॉर्म में लिख रहा हूँ ऐसा, तो 25 इक्वल टू एक्स का वैल्यू है कितना 4 का स्क्वायर, चलो ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, दैट इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, देयर फोर वाई इक्वल टू 3, प्लस माइनस 3 होता है लेकिन डिस्टेंस में हम माइनस नहीं ले सकते, तो 3 सेंटीमीटर ले लिया, ये हमने वाई का वैल्यू निकाल लिया। अब देखो हमको डी वाई बाई डी टी फाइंड करना है, तो चूंकि हमको यहाँ पता है पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ से पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ये हमने यहाँ पर लिखा भी है। अब इसका हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, तो नाउ डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के लिए इसलिए डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं क्योंकि dx by dt क्वेश्चन में गिवन है और dy by dt फाइंड करना है जो कि यहाँ से मिलेगा, तो यहाँ टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d by dt ऑफ x स्क्वायर प्लस d by dt ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू d by dt ऑफ 25, ये मिलेगा। दैट इम्प्लाइज इसको यदि हम t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा dx बाई डी टी प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, y का अगेन होगा तो dy वाई बाई डी टी, और ये कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है। अब ये 2 कॉमन होकर कैंसिल आउट हो गया, तो दैट इम्प्लाइज x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी टी इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमने यहाँ से 2 को कॉमन करके उधर ट्रांसफर करके जीरो कर दिया। देयरफॉर अब x और y सब जितना वैल्यू अपन पुट अप कर देते हैं, तो x का वैल्यू अपने पास क्या है 4, ये हमने 4 पुट अप कर दिया, dx by dt हमको क्वेश्चन में दिया है 2, ये 2 पुट अप कर दिया, प्लस y का वैल्यू हम यहाँ से निकाल के रखे हैं कितना 3, ये 3 पुट अप कर दिया, और dy by dt हमको क्या करना है फाइंड करना है, दैट इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा 8, उधर जाके हमने ट्रांसफर कर दिया तो dy बाई डी टी इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 3, ये तो डी वाई बाई डी टी का वैल्यू माइनस 8 अपॉन 3 आएगा। माइनस यहाँ पर शो करता है कि इसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, यहाँ माइनस साइन ये बता रहा है कि सीढ़ी का ये वाला पॉइंट क्या होता है नीचे आ रहा है, जब हम इसको इधर खिसकाते हैं तो नीचे आता है, तो माइनस से हमको पता चलता है उसका डिक्रीज होना, उसका घटना। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 2 पार्ट में बनेगा, सबसे पहले एक्स और इसकी सहायता से आप वाई का मान निकालो, फिर इसको क्या करो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
चलिए मैं इरेज करता हूँ इसको और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का स्टेटमेंट आप देखिए बोर्ड से। क्वेश्चन नंबर 11 के स्टेटमेंट आप बोर्ड से देखिए, मैं यहां पर रीड कर रहा हूं। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y = x² + 2। 6y = x² + 2 ये कर्व का इक्वेशन है, वक्र का समीकरण है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द वाई कोऑर्डिनेट्स इज चेंजिंग एट टाइम्स एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मतलब उसका जो रेट है बढ़ने का वो क्या है, डी वाई बाई डी जी का रेट वो क्या है, डी एक्स बाई डी टी का एट टाइम्स है। ठीक है, तो दो बात गिवन है, एक तो 6y = इतना, एंड बोलता है कि वाई का जो बढ़ने का जो दर है डी वाई बाई डी टी, ठीक है, ये एट टाइम्स 8 गुना है किसके, डी एक्स बाई डी टी के, इतनी बात दिया है। देखो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कथन को समझने के बाद ये जानना कि क्या दिया है। तो ये कर्व हमको दिया है और बोलता है कि वाई का चेंज होने का जो दर है उसका रेट है वह एक्स के रेट का एट टाइम्स है, ये हमको दिया है। ठीक है, तो क्या करना है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करना है, माने उस बिंदु का हमको निर्देशांक ज्ञात करना है। तो उस बिंदु का हमको निर्देशांक ज्ञात करना है, इस बेस पर हम सॉल्व कर लेते हैं। कुछ दिया है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग दिस, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द विच वाई कोऑर्डिनेट्स एट टाइम्स फास्ट एक्स कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो एक्स और वाई का मान निकालना है इसकी सहायता से। देखो चूंकि हमको इक्वेशन पता है क्या, 6y = x² + 2, 6y = x² + 2, नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी बाई डी टी ऑफ 6y = हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ x² + 2। अब 6y का टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, 6 कांस्टेंट है उसको हमने बाहर कर लिया और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इक्वल, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो गया 2x² का 2x और x का दोबारा हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी और प्लस 2 का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0 हो गया। अब हम अपने पूरे रिलेशन को क्या करते हैं, x या y के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो हमको यहाँ पर dx by dt का वैल्यू दिया हुआ है 8 dx by dt, इसके मान को यहाँ पर हम भर दें, मतलब यहाँ पर हम क्या करें, ये जो dy by dt का वैल्यू है उसको यहाँ से ला के पुट अप कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 6 ऑलरेडी पहले से है और ये हो जाएगा 8 dx by dt = 2x dx by dt। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ दोनों साइड को हम सॉल्व करें तो आप देख रहे हो दोनों पक्ष से dx by dt कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर और हम सॉल्व करना चाहें तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा किससे, इससे, ये 2 फोर जा तो x = हो जाएगा 24। यहाँ पर x² क्वेश्चन मैंने गलत लिख लिया है, एक्चुअल में x क्यूब होगा, वही तो मैं सोच रहा था यहाँ से तो सब गए, x³ होगा, है ना, क्वेश्चन को आप करेक्ट कर लेना, x³ होगा, धोखे से x² लिख लिया मैं, ये x³ होगा तो यहाँ पर भी x³ होगा तो ये 3x² होगा, बाकी तो ठीक है, तो ये 3x² होगा, अब कैंसिल आउट नहीं होगा, ये 3 होगा 3x², तो 3 फिर 8 के साथ कैंसिल आउट नहीं होगा, वो फिर 3 किसके साथ कैंसिल आउट होगा, 2 के साथ में होगा। ठीक है, तो 3 2 ऐसा होगा, तो x² का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर 16, therefore इधर x² 8 × 2 = 16, x² = 16, तो x = ±4। यहाँ पर x का दो वैल्यू निकल गया। अब हमको कोऑर्डिनेट्स पूछा है, निर्देशांक मतलब y का भी वैल्यू चाहिए, तो जब x का वैल्यू निकल गया तो यहाँ पर हम यहाँ पुट अप कर देते हैं, सपोज रिलेशन नंबर फर्स्ट है तो यहाँ पर x का वैल्यू पुट अप करते हैं, तो therefore फ्रॉम फर्स्ट इफ x = −4। ठीक है, क्योंकि दो वैल्यू है अपने पास, x = −4 यहाँ पर रखें तो ये हो जाएगा 6y = −4 का पावर 3 और +2,
दैट इंप्लाइज 6y इक्वल टू ये हो जाएगा 64, ठीक है। 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64 माइनस 64 प्लस 2 दैट इंप्लाइज y इक्वल टू ये हो जाएगा 62, यहाँ से माइनस हो के 62 अपॉन 6। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 2 3 जा ठीक है और 2 और 1 जा मतलब 31 अपॉन 3, ये हो जाएगा y का वैल्यू 31 अपॉन 3। क्लियर है यहाँ तक? ये इसके लिए तो एक कोऑर्डिनेट इसका मिल गया x इक्वल टू माइनस 4 तो y इक्वल टू 31 अपॉन 3 एंड हम क्या कर लेते हैं x इक्वल टू 4 पुट अप कर लेते हैं तो x 4 पुट अप कर लेंगे तो 6y इक्वल टू 4 का क्यूब प्लस 2 दैट इंप्लाइज 6y इक्वल टू 64 प्लस 2 दैट इंप्लाइज 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा 66 अपॉन 6 दैट इज 11। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ये माइनस 4 पर 11 31 अपॉन 3 तो माइनस 4 31 अपॉन 3 एंड सेकंड कोऑर्डिनेट्स इज 4 एंड 11। दिस इज द आंसर। एक बार टेली कर लें आंसर क्या दिया है एनसीईआरटी का। माइनस 4 में माइनस 30, अच्छा यहाँ पर माइनस लिखना भूल गया मैं, ये तो माइनस होगा ना, माइनस होगा तो ये माइनस दोनों माइनस ठीक और सेकंड इज 411, सेकंड 411। आंसर टेली करना जरूरी है क्योंकि कभी कभी अपन कहीं कुछ हड़बड़ी में मिस्टेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने एक्स क्यूब स्क्वायर लिख लिया था तो गड़बड़ हो जाता है। आप लोग भी जब क्वेश्चन एक्सरसाइज करते हो तो आंसर को फाइनली जो लास्ट में दिया हुआ है उससे आपको टेली कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, देखो कर्व का इक्वेशन है, कर्व के इक्वेशन के हेल्प से हमने ये निकाला। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है वो है कथन को समझना, स्टेटमेंट को समझना कि क्वेश्चन में क्या बोला है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें वर्क करते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 स्टेटमेंट आप बोर्ड से रीडिंग कीजिए और मैं एक बार आप उसको समझाता हूं स्टेटमेंट को। क्वेश्चन नंबर 12 द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब तो क्वेश्चन आपको समझ में आने लगा है कि एयर बबल मतलब हवा के बुलबुले का त्रिज्या 1.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है, दैट मीन्स डी एयर बाई डी टी इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इससे बढ़ रहा है। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग वेन द रेडियस इज, ये तो पीछे का रिपीट क्वेश्चन हो गया, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, तो डी वी बाई डी टी आपको फाइंड करने बोल रहा है, ये वही क्वेश्चन है। डी वी बाई डी टी आपको फाइंड करना है कब, जब रेडियस कितना है बोलता है, वेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, वेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। अरे ये तो ऐसी टाइम पास क्वेश्चन होगा, ऐसा क्वेश्चन आप बहुत सारा कर चुके। सीधा सिंस वी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब दैट इम्प्लाइज डी वी बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब दैट इक्वल, यही फाइंड करने बोला है, तो 4/3 पाई हो गया और इसका हो जाएगा 3r स्क्वायर डी आर बाई डी टी, इसके पूरे वैल्यू पुट अप कर दें तो 4/3 पाई और 3 r का वैल्यू कितना है अपने पास 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो r का वैल्यू को हम 1 पुट अप कर दिए 1 स्क्वायर और डी आर बाई डी टी का वैल्यू हो गया कितना 1/2 दैट इक्वल, इसको अपन आगे सॉल्व करें तो 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 जा ठीक है, तो क्या बचा ओनली 2, इसका आंसर आ जाएगा 2π। ये इसका बहुत आसान क्वेश्चन था, ये ऐसा क्वेश्चन आप कई कर चुके, वही क्वेश्चन इसमें रिपीट हो रहे हैं। 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है 2π यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड वॉल्यूम है, इसलिए ये तो आसान क्वेश्चन था ये।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आप स्टेटमेंट देखिए, आप बोर्ड से स्टेटमेंट इसका, क्वेश्चन नंबर 13 का स्टेटमेंट है, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, एक गुब्बारा हमेशा गोलाकार है, हैव ए वेरिएबल डायमीटर 3/2, 2x+1, ठीक है। पढ़िए आप बोर्ड से पढ़िए, इसका जो डायमीटर है वेरिएबल है, मैंने बदल रहा है। फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, अच्छा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोल रहा है, ठीक है। देखो इसका जो डायमीटर है मतलब 2r दिया हुआ है, 2r हमको दिया हुआ है क्या, 3/2 (x+1), 3/2 (x+1), 2x+1, 2x+1, ये व्यास दिया हुआ है, डायमीटर मतलब व्यास दिया हुआ है माने 2r, देयरफॉर हम r निकाल सकते हैं 3/4 (2x+1) ये। तो बोलता है उसका वॉल्यूम में परिवर्तन की दर निकालना है आपको, मतलब dv, और पूछा है कि x के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो dv/dx निकालना है। देखो क्वेश्चन में बोलता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, उसके आयतन में परिवर्तन की दर विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो बस यहाँ रेस्पेक्ट को चेंज कर दिया, नया काम उतना ही है, चूंकि v इक्वल टू होता है 4/3 πr³, ये होता है, दैट इंप्लाइज v इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 4/3 π, और r का वैल्यू हमको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो उसका वैल्यू पुट अप कर देंगे, यह आएगा 3/4 (2x+1) और इसका (3)³, ये हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि dv/dx फाइंड करना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dv/dx इक्वल 4/3 π, कांस्टेंट है बाहर लिख लिए, और d/dx ऑफ ये 3/4 (2x+1) इसका (3)³, दैट इंप्लाइज अब डिफ्रेंशिएट करते हैं dv/dx इक्वल टू 4/3 π, यहाँ पर देखो ये 3 है तो 3 का हो जाएगा ये 3 सामने, और इसका स्क्वायर माने 3/4 (2x+1) का स्क्वायर हो जाएगा ये, इसको हमने चेन रूल से x सपोज कर लिया, और इनटू dv/dx, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन को ध्यान समझना, इतने को चेन रूल से मैंने x सपोज करके कर दिया, तो x क्यूब का क्या हो गया 3x² हो गया, इसका दोबारा होगा चेन रूल तो ध्यान है आपको, तो dv/dx ऑफ हो जाएगा ये 3/4 (2x+1), इसका अपने को क्या करना है अब डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो चलिए उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ से जो सॉल्व होता है उसको हम यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, पहले जो जो कट वट रहा है कटा देते हैं, तो यहाँ पर ये 3 के साथ में कैंसिल आउट हो रहा है, बाकी तो भी ब्रैकेट के अंदर है, बाकी कुछ नहीं होगा, चलिए ठीक है। दैट इम्प्लाइज dv/dx इक्वल टू 4π(3/4 (2x+1) का होल स्क्वायर इंटू, यहाँ पर 3/4 कांस्टेंट है ये बाहर आएगा, और 1/2x+1 के यहाँ पर मैं अलग से डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, देखो dv/dx/1/2x+1 ये ऊपर चला जाएगा तो 2x+1 का पावर कितना हो जाएगा -1, ये हो जाएगा। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो -1 (2x+1)-2 हो जाएगा, n(x^n-1) ये होगा उसका डिफ्रेंशिएशन, क्लियर। तो ये -1 तो माइनस लिख दिया मैं, ये माइनस और उसका पावर 2 है तो 1/2 में हो जाएगा 2x+1 का स्क्वायर, ये डिफ्रेंशिएशन मैंने रफ में किया है और वहाँ पर डायरेक्ट पुटअप किया है, आगे समझ में क्लियर ही आपको। ओके अब इसको हम सॉल्व करें, देखो तो अपान में आ गया है ना ये पावर 4,
माइनस में आएगी इसका वैल्यू। चलिए वो मैं इरेज कर देता हूँ। और कोई आसान तरीका था क्या डिफ्रेंशिएट करने का? पाई आर क्यूब ऐसे ही करना पड़ेगा। चलो ये फोर, ये फोर के साथ कैंसिल हो गया और कहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो सामने माइनस हो जाएगा। डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, और थ्री और मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो हो गया 27। ओके 27 ना, 9 × 3 = 27 होता है 27। अपान में क्या हो रहा है, 4 का स्क्वायर मतलब 16 इंटू, सामने तो माइनस में लिख ही दिया, ये 2x + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी 2x + 1 का होल स्क्वायर है, तो यह आएगा 1/2x + 1 power 4। एक मिनट क्या आंसर आता है इसका, इतना लेंदी आंसर। टू एक्स प्लस वन का पावर टू, 27/8, कहीं पर कुछ मिस्टेक किया क्या मैं? वैल्यू यही दिया है ना क्वेश्चन में, एक मिनट चेक करता हूँ ना, एक मिनट चेक करता हूँ, क्वेश्चन में दिया 3/2 2x + 1 3/2 2x + 1। अरे इसका वैल्यू इसका, मैं जिस हिसाब से क्वेश्चन बनाया हूँ वो क्वेश्चन एकदम सही है, वही मैं सोच रहा था कि इसका आंसर इतना लेंदी कैसे आ रहा है, ये आंसर सही है। एक्चुअल में बुक में लिखने का तरीका गड़बड़ हो गया यहाँ पर, ये 3/2 जो है 2x + 1 डिनोमिनेटर में नहीं न्यूमरेटर में है, लेकिन क्वेश्चन यदि ऐसा होता है, चलो आपको एक नया क्वेश्चन तैयार हो गया समझ लो, मैं इसको अपान में बटे में कर दिया हूँ, तो आंसर 100% यही आएगा जो मैंने बनाया है, ये आंसर यही आएगा, लेकिन क्वेश्चन में एक्चुअल में ऐसा नहीं है, उसको मैंने धोखे से अपान में लिख लिया, 3/2 2x + 1 है समझ लिया, वास्तव में 3/2 और ऊपर में 2x + 1 है। तो क्वेश्चन आप समझ लीजिए, यदि क्वेश्चन मेरा ऐसा है, यदि मेरा क्वेश्चन ऐसा है तो आंसर वही होगा, वो गलत नहीं है, लेकिन एक बार मैं राइट आंसर के अकॉर्डिंग बना देता हूँ। चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप समझ गए, अब डिफ्रेंशिएट ही तो करना था। ये क्वेश्चन एक्चुअल में ऐसा है, 3/2 2x + 1 अंश में है, मैं लिख दिया था हर में, इसीलिए पूरा वही मैं सोचा कि इतना लेंदी कैसे आंसर आ रहा है इसमें। चलिए ठीक है, इसको मैं एक बार और बता देता हूँ आपको दूसरे क्वेश्चन से, ये आपका दो क्वेश्चन तैयार हो गया समझ लो, ठीक है, क्वेश्चन ही रॉन्ग लिख लिया था मैंने वो बुक के कारण, या पान में ऐसा अब लिख है करके, तो ये रेडियस है, दैट इम्प्लाइज यहाँ सॉरी डायमीटर है, रेडियस हो जाएगा 3/4 और ये ऊपर ही रहेगा 2x + 1। अब तो आसान हो गया, बहुत लेंदी हुआ था उसके कारण, तो हमको फाइंड करना है क्या, डी वी बाई डी एक्स, ये हमको ज्ञात करना है, तो चूंकि v इक्वल टू 4/3 है, क्वेश्चन तो पूरा समझा चुका आपको, ये हो जाएगा तो v इक्वल टू 4/3 पाई, और r का वैल्यू अपने को यहां से पता है, ये 3/4 2x + 1 3/4 अब इसको डिफ्रेंशिएट करना आसान है, v इक्वल टू 4/3 पाई, इसको मैं बाहर ही कर देता हूँ, तो हो जाएगा 27 और अपान 64, ठीक है, ये हो जाएगा, या इतना लेंदी करने का ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे लिख देता हूँ इसको, 3 का क्यूब 3 का क्यूब अपान 4 का क्यूब, जहाँ तक हो सके कैंसल आउट हो रहा है तो उसको ऐसे ही रहने देना चाहिए, और ये हो जाएगा 2x + 1 का होल क्यूब। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वी बाई डी एक्स क्वेश्चन में इसके रेस्पेक्ट में बोला है, यहाँ से देखो 1/4 इसके साथ 1/3 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का वर्ग मतलब ये हो जाएगा 9,
और यहाँ पर एक फोर तो कैंसिल आउट हो, चार का वर्ग एक तो हो जाएगा 16, 9 upon 16, और इनटू इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 2x + 1 का होल स्क्वायर होगा, और इनटू इसको दोबारा होगा तो कितना आएगा 2 आएगा, 2x + 1, वो कितना लेंदी हो गया था क्योंकि नीचे लिख दिया था हमें दैट इक्वल, मैं ध्यान भी नहीं दिया, मुझे डाउट हो रहा है इतना लेंदी कैसे डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, क्योंकि जनरली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के जो क्वेश्चन होंगे उसमें डिफ्रेंशिएशन कठिन ही रहेगा, पीछे जो आपने कठिन पढ़ा वैसा नहीं है, डिफरेंशिएशन बहुत आसान रहेगा, क्वेश्चन का पैटर्न डिफिकल्ट होता है, डिफरेंशिएशन तो आसान रहेगा, देखो कितना आसान है सब। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो क्या सॉल्व होगा, 2 8 जा हो गया और 9 3 जा 27, तो ये हो गया 27 upon 8, 9 3 27, और ये हो गया 2x + 1 का होल स्क्वायर, आंसर यही दिया है ना, देखो क्या दिया है 27 by 8 पाई, पाई को बेचारे को कहाँ मैं भूल रहा हूँ, ये तो रहेगा कहाँ जाएगा, है ना, ये 27 पाई by 8 2x + 1 का स्क्वायर, आसान है क्वेश्चन, इसको मैं बटे में लिख लिया था करके वो माइनस पावर में जाके वो लेंदी हो गया था, ओके। तो इस तरह से बनेगा क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। चलो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14, आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देते हैं 6.1 को, एक पार्ट में मैंने आपको इजी क्वेश्चन बताया था 7 तक का, और नेक्स्ट पार्ट में आपको इसको मैं पूरा बता देता हूँ, हर क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ कि इसको मैं पूरा बता देता हूँ आपको, उसकी आप प्रैक्टिस करना, उसके बाद देखेंगे, बाद में हम दूसरे राइटर का RD शर्मा या कुछ और स्टैंडर्ड राइटर का क्वेश्चन को सेकंड पार्ट में करेंगे, सबसे पहले पार्ट में तो मैं आपको NCERT ही करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बोर्ड में देखिए आप क्वेश्चन का स्टेटमेंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सेंड वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14, मैं जिस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ आप पॉइंट आउट करते हुए चलना। सेंड इज पावरिंग फ्रॉम ए पाइप ऑफ द रेट ऑफ 12 cm³/s, द फॉलिंग सेंड फ्रॉम ए कोन ऑन द ग्राउंड इज द सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द बेस, हाइट इज 1/6 ऑफ, ओह देखो क्वेश्चन इस तरह से है, ये उल्टा कोन है अपने पास इस तरह से, और यहाँ पर होल है सपोज, और हम इसमें क्या कर रहे हैं, रेत भर रहे हैं, इस प्रकार से हम इसमें सेंड भर रहे हैं, और ये सपोज इसका रेडियस है, और ये सपोज क्या है इसका हाइट है, और नीचे से क्या कर रहे हैं इसको गिरने दे रहे हैं, ऊपर से भर रहे हैं, ऊपर से भरने का जो रेट है वो है 12 cm³/s, दैट मीन्स हमको क्वेश्चन में गिवन है dV/dt = 12 cm³/s, इस रेट से हम उसको क्या कर रहे हैं फिल अप कर रहे हैं, ठीक है। द फॉलिंग सेंड फ्रॉम ए कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे हाइट ऑफ द कोन इज, इसका जो नीचे गिरने का जो रिलेशन है वो हाइट के साथ में कैसा है, कि हाइट क्या है 1/6 ऑफ द रेडियस है, मतलब h इक्वल टू क्या है r/3, 1/6 ऑफ द रेडियस माने r/6 है, हाइट और रेडियस के साथ में इस तरह का रिलेशन है, ध्यान में रखना। हाउ फास्ट हाइट ऑफ द सेंड कोन इंक्रीजिंग, तो इस रेट से यदि हम इसमें भरें तो किस रेट से इसका हाइट ऊपर बढ़ेगा, मतलब हमको पूछ रहा है dH/dt, इसका हाइट जो है किस रेट से ऊपर उठेगा जब वो भरते जाएगा ऊपर से, तो ये पूछ रहा है हाउ फास्ट हाइट ऑफ द सेंड कम इंक्रीजिंग वेन द हाइट इज 4 cm, कब, जब हाइट कितना हो 4 cm हो, ये है बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। इस तरह से देखो इसमें सेंड फिलिंग का जो पावरिंग का रेट है dV/dt = 12 है, हाइट और रेडियस के बीच में ऐसा रिलेशन है, तो किस रेट से उसका हाइट इंक्रीज हो रहा है ये हमको इसमें फाइंड करना है जब उसका हाइट क्या हो 8 cm है। द फॉलिंग सेंड फ्रॉम ए कोन ऑन द ग्राउंड इन द सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द, ओ ये स्टेटमेंट इस तरह का नहीं है, द फॉलिंग सेंड फ्रॉम ए फ्रॉम से कोन, क्वेश्चन का स्टेटमेंट ऐसा नहीं है, इसमें से नहीं गिर रहा है, हम सिर्फ रेत इसको भर के कोन बना रहे हैं, तो आपने देखा होगा एक प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ, कोन है नहीं एक्चुअल में, कोन बन रहा है,
आपने देखा होगा कि जैसे हम रेत को ऊपर से गिराते हैं, मैं दूसरे क्वेश्चन के स्टेटमेंट पर चले गए, तो कौन बनता है रेत का, क्या बनता है, कौन बनता है। फिगर को थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, अदरवाइज आप उसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा रेत हो कोई भी चीज़ हो, जब ऊपर से अपन गिराते हैं तो ऐसे वो भरता है इस तरह से, जैसे कोई भी अनाज वगैरह किसी भी चीज़ को जब ऊपर से अपन हापर से गिराते हैं तो इस तरह से फैलते जाता है, कौन बनता है, इस तरह का सिचुएशन। अभी जो मैं बता रहा था वैसा भी क्वेश्चन है, इस बुक में नहीं है शायद वो। तो कौन एक्चुअल में ऐसा बन रहा है, इस तरह से रेत हम ऊपर से गिरा रहे हैं, ये इसका हाइट है, ये इसका रेडियस है, इस तरह की बात है। इसमें हम यहाँ से इसमें रेत गिरा के इस रेत से ऊपर से रेत नीचे गिरा रहे हैं तो ऐसा कौन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका हाइट जो है वो हाइट ऊपर बढ़ते जाएगा, तो किस रेट से इसका हाइट बढ़ रहा है ये हमको फाइंड करना है। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। चलिए, तो यहां पर हमको कोन के वॉल्यूम का फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो कोन का वॉल्यूम होता है वी इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हमको टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है, और आर और एच का वैल्यू हमको दिया हुआ है। dH by dt दिया हुआ है ना, dH by dt सॉरी फाइंड करना है, dH by dt दिया हुआ है, तो वहाँ से R रिप्लेस होना चाहिए। तो यहाँ से R का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू लिख सकते हैं 6H। तो वहाँ से हम पूरे R को हटा देते हैं पहले, तभी तो हम H का t के रेस्पेक्ट में उसको फाइंड करेंगे। तो दैट इम्प्लाइज, समझ में आया क्या बोला मैं, यहाँ पर H और R दो वेरिएबल है, यहाँ पर एक वेरिएबल है R और एक वेरिएबल है H, और हमको फाइंड करना है dH by dt। तो R हमको यहाँ पर परेशान करेगा, तो हम R के वैल्यू को H के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, इसीलिए इसको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू 1/3 पाई, और R का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो क्या, 6H का स्क्वायर इंटू H। दैट इम्प्लाइज V इक्वल टू जितना सॉल्व होता है सॉल्व कर लेते हैं इसमें, तो ये 6 × 6 होगा, ध्यान देना ये 3 × 2 जा कैंसिल हो जाएगा, तो 6 × 2 = 12, 12 बचेगा 12 पाई, यहाँ एच स्क्वायर यहाँ एच है तो क्या हो जाएगा एच क्यूब, इतना हमने पहले सॉल्व कर लिया। अब हमको डी एच बाई डी टी फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू 12 पाई कांस्टेंट है, और एच क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3H स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी, ऐसा होगा, क्लियर, डी बाई डी टी 12H इंटू 3H स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी। ओके, अब हमको फाइंड करना है इसमें डी एच बाई डी टी, सबको वैल्यू पुट कर देते हैं, डी वी बाई डी टी कितना है 12 है, दैट इम्प्लाइज नाउ पुट द वैल्यू 12 इक्वल टू 12 पाई इंटू 3 इंटू एच, जब हाइट कितना हो बोला है 4 सेंटीमीटर, तो हाइट का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर पुट अप कर देते हैं 4 का स्क्वायर, और इंटू ये है डी एच बाई डी टी। ये बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। दैट इम्प्लाइज यहाँ पर 12 के साथ में कैंसल आउट हो जाएगा, और डी एच बाई डी टी हमको फाइंड करना है, तो बाकी क्वांटिटी इधर ट्रांसफर कर दो, तो डी एच बाई डी टी इक्वल टू सब डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो 1/ ये हो जाएगा 16 इंटू 3 48 और अपान पाई आएगा, तो 48 पाई, इस तरह का आंसर आएगा, देखते हैं आंसर क्या आया है, 1/48 पाई ही आया है, सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है भाई, देखो ये आंसर होगा सेंटीमीटर पर सेकंड, ये है उसके हाइट के बढ़ने का रेट। इस तरह से यदि हम सैंड से क्या बनाएं, कौन बनाएं, तो उस रेट से उसका हाइट क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्लियर। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके सेंस को ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन पहले बता रहा था वैसा भी है, ऊपर से सैंड डालते हैं नीचे से गिरता है तो उसका हाइट डिक्रीज होता है, वहाँ पर सैंड का हाइट डिक्रीज होता है, इंक्रीज होने के हिसाब से मैंने इसको बात किया, क्वेश्चन ऐसा है, वहाँ पर क्या होता है जब नीचे रेत गिरता है तो उसकी ऊंचाई क्या होती है, घटती है, तो वहाँ पर डी एच बाई डी टी का वैल्यू क्या होता है, माइनस आता है। इस तरह के भी क्वेश्चन हैं कि रेत भरा हुआ है, अब नीचे से होल कर दिया तो रेत नीचे गिरेगा, इस तरह से भी क्वेश्चन है। यहाँ पर कोन बनाया जा रहा है, वहाँ पर बने हुए कोन को खाली किया जाएगा, ऐसा भी क्वेश्चन है। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 14। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लीजिए आप।
क्वेश्चन नंबर 15, 16, ये दो क्वेश्चन जो हैं वो क्या है, ये थोड़ा अलग पैटर्न के क्वेश्चन हैं। यहां पर आपको निकालना है मार्जिनल कास्ट निकालना है, ठीक है। तो मार्जिनल कास्ट निकालने का जो फार्मूला होता है उसको हम क्या करते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन लेंदी है, कैलकुलेशन बड़े बड़े होते हैं। मैं तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट कर दूंगा कैलकुलेटर से, लेकिन आपको उसको खुद से फिर मैनुअल करना है। एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये है, द टोटल कास्ट इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट ऑफ ए आइटम। एक्स यूनिट आइटम का प्रोडक्शन का जो हमको इक्वेशन दिया हुआ है सी एक्स, ठीक है, ये कास्ट है सी एक्स और इसको इक्वेशन के फॉर्म में दिया रहता है 0.007 x³, 0.007 x³, और इसके बाद -0.003 x² -0.003 x² +15x + 4000 + 15x+। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, बस वो कैलकुलेशन लेंदी होता है, वैल्यू बहुत होते हैं। इसमें क्या बोलता है, फाइंड द मार्जिनल कास्ट व्हेन x इक्वल टू 17। जब x इक्वल टू 17 हो तो मार्जिनल कास्ट मतलब होता है डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स, ये हमको फाइंड करना है। ये मार्जिनल कास्ट का फार्मूला है कि हमको x के रेस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सिंस सी एक्स इक्वल टू, या सीधा मैं उसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ। नाउ डिफ्रेंशिएट फर्स्ट, इसको रिलेशन नंबर फर्स्ट दे दिया और सीधा उसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ। नाउ डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट रिलेशन तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.007 × 3x² x³ का 3x² -0.003 × 2x और प्लस ये 15 और ये तो कांस्टेंट है तो क्या हो गया 0। दैट इक्वल, अब इसका वैल्यू पुट अप करेंगे 0.007 × 3 और x का वैल्यू कितना है 17, ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर -0.003 × 2 और x का वैल्यू 17 + 15। देखो कितना लेंदी कैलकुलेशन है, इसको मैं कैलकुलेटर से करके लिख रहा हूँ। पहले 0.7 में 3 मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई बाई 3 तो 27 हो जाएगा, है ना, 7 × 21 और 17 का स्क्वायर होता है 289। तो 0.021, ठीक है, और 17 का स्क्वायर, उसके बाद फिर क्या कर लेंगे, आगे सॉल्व कर लेंगे 289, 17, ठीक है 289 -0.006 और × 17 + 15। अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें 289 × 0.021, 289 × 0.021 ये हो गया 6.069। इसको आप लोग अब करना, मैं कैलकुलेटर से करके दे रहा हूँ आपको, 0.006 × 17 × 17, है ना, माइनस में 0.102 और प्लस 15, दैट इक्वल, इसको कंप्लीट सॉल्व कर लें, 6.069 में प्लस 8 कर दूं 15 और 15 8 करने के बाद माइनस कर दें इसमें 0.102, दैट इक्वल टू 20.967, ये इसका आंसर होगा, ये देख लो। तो इसमें कुछ नहीं है, बकवास है, इसमें बस आपको मल्टीप्लाई, ये डिफ्रेंशिएशन तो बहुत आसान होता है, उसके बाद आगे का काम केवल कैलकुलेशन है आपका, गुणा भाग करते रहना, ठीक है, मल्टीप्लाई करते रहना और कुछ नहीं है। तो ये आपको अपने से करना है मल्टीप्लीकेशन, मैं तो कैलकुलेटर से कर दिया, ठीक है, मेरे को ऐसा करने में टाइम लगता। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। 16 क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही है, उसको भी आप अपने से बना सकते हो क्वेश्चन नंबर 16 को।
द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज दिस, चलो इसको ही बता ही देता हूँ, एक क्यों छोड़ दें है ना, फिर आप लोग बोलोगे सर छोड़ दिए इसको, तो मिटा दूँ इसको। 16 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, इससे इजी है वो, क्योंकि उसमें इतने डेसिमल वाले वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, क्या कास्ट दिया हुआ है, आर एक्स दिया हुआ है यहाँ पर, 13x² + 26x + 15 आर एक्स इक्वल टू 13x² + 26x, 13x² + 26x और प्लस 15, ये हमको वैल्यू दिया हुआ है। और आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है, फाइंड द मार्जिनल व्हेन एक्स इक्वल टू 7, एक्स इक्वल टू 7 के लिए फाइंड करना है। तो डी आर एक्स बाई डी एक्स इक्वल, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 26x + 26, ये तो जीरो हो गया, ये आसान है देखो, तो डी आर एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू 26 × 7 + 26, तो 26 × 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 हो जाएगा प्लस 26, 182 + 26, तो हो गया 6 × 2 = 8, 8 × 2 = 10, 208, ये इसका आंसर हो जाएगा 208। तो आसान है, तो ऐसे टाइम पास क्वेश्चन है, क्लियर। तो मार्जिनल अमाउंट इज 208, इस तरह से हम फाइंड करते हैं। इसके बाद दो क्वेश्चन है इसमें, 17 और 18, ये 17 और 18 क्या है, मल्टीपल च्वाइस टाइप के हैं और बहुत ही आसान है, ठीक है, 17 और 18, तो वो तो आप कर सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द सर्कल इज दिस, आर इक्वल टू सेंटीमीटर, पहले क्वेश्चन कर चुका, उसको डिफ्रेंशिएट करो, उसका वैल्यू पुट अप करो, तो ये आपसे बन जाएगा, ओके। तो ये मैं 16 क्वेश्चन, 17, 18 है ऑब्जेक्टिव, आप उसको देख लेना, 17, 18 ऑब्जेक्टिव, ऐसा क्वेश्चन करा भी चुका। तो ये हमारा यहाँ कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। बहुत से स्टूडेंट्स का चैनल पर कमेंट्स होता है कि सर मैथ्स डिले हो रहा है, आई नो कि मैथ्स थोड़ा डिले हो रहा है, अब फास्ट होगा कुछ कारण था, और आपको कुछ एडिशनल फैसिलिटी के साथ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, इसलिए आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी, तेज़ी से करूंगा और थोड़ी आपको सुविधा बढ़ाऊंगा, एनी टाइम लगा हुआ हूं कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बेटर कर सकूं, ठीक है। तो बहुत जल्दी डिफ्रेंशिएशन ख़त्म होने के बाद हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे और आपका टाइम में कम्प्लीट हो जाएगा। फिजिक्स ऐसा भी हमारा बहुत आगे है, तो वो बहुत अच्छे से होगा, आपको कुछ भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन आप लोग याद दिलाते रहते हो, बहुत अच्छी बात है, ओके, थैंक यू।